सुबोध मार्कंडे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आज आपके पास आपके साथ इस टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा, मुंबई टेररिस्ट अटैक गेन्स एंड लॉसेस। जैसे कि विदित है, 10 पाकिस्तानी लश्कर ए तोयबा के टेररिस्ट समुद्र के रास्ते भारत में आए और मुंबई में 4 दिन तक उन्होंने तांडव मचाया है, डेथ और डिस्ट्रक्शन का। 164 लोग मारे गए, 308 घायल हो गए। इन सब मृतकों और घायल लोगों को सरकार द्वारा करीब 100 करोड़ रुपया मुआवजा देना पड़ा। 28 मिलियन यूएस डॉलर्स हमारे जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, होटलों को पार्शियली मुआवजा देना पड़ा। सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव वॉर जो पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ चला रखा है, ये इसमें हमारी क्या उपलब्धि यदि कोई हुई, या हमारी क्या असफलता रही, इस बात पे चर्चा करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस था उस पे हम लोगों, हमारे जो भी नेता लोग थे उस समय के, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस पे ध्यान दिया होता जो कि वो गौरतलब था, तब इन सब जान माल का नुकसान बचाया जा सकता था। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका के पास डेविड हेडले की सारी टेप्स थीं और वो हमको पास ऑन कर सकता था। अगर उसने पास ऑन किया होता तो भी ये सब जान माल का नुकसान रोका जा सकता था। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि क्या हम हमारे नागरिकों को जो मर गए, शहीद हो गए, और हमारे अफसरगण जो शहीद हो गए, हम क्या उनको न्याय दिला पाए, और नहीं दिला पाए तो क्यों। सबसे बड़ा जो अहम सवाल पैदा होता है वो ये है कि हफीज सईद जो इसका मास्टरमाइंड था, उसका कस्टोडियल इंटरोगेशन क्यों नहीं हुआ। ये सवाल जहाँ तक मैं सारे रिकॉर्ड को देख पाया या गवर्नमेंट के जितने डॉसियर्स उन्होंने दिए उन सब में मुझे इसका कहीं जिक्र नहीं मिला। दरअसल देखा जाए तो हफीज़ सईद को न केवल कसब ने नामित किया, बल्कि हेडली, डेविड हेडली की बयान में भी उसका नाम आया, और तहफ़ुज़ राणा के बयान में भी उसका नाम आया। तो इससे ये साबित हो गया कि जो मेन मास्टरमाइंड था ये सब इस हादसे का, हफीज सईद, उसको कस्टडी में लेना पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए नितांत आवश्यक था। जिस प्रकार का सिस्टम हमारे यहाँ है, वही सिस्टम पाकिस्तान में है, वही सिस्टम श्रीलंका में है, वही सिस्टम अमेरिका में है, वही सिस्टम कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस सिस्टम के अंदर में ये कभी नहीं हो सकता कि जो मास्टरमाइंड है, जिसने आतंक फैलाया, और जो कॉन्स्पिरेटर है, जिसने कॉन्स्पिरेसी की और इतना कुछ मौत का तांडव रचाया, ऐसे आदमी का को कस्टडी में न लिया जाए और उसका कस्टोडियल इंटरोगेशन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हम लोगों को चाहिए था कि एक डिप्लोमेटिक ब्लिट्स इस बात का हम जो है नाफिज करते, और पाकिस्तान में
पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, वहाँ के प्रोसिक्यूशन के लिए ये एक बहुत ही आसान केस था देखा जाए तो, क्योंकि जो कुछ भारत में हुआ उसका तो समूचा सबूत हमने उनको डॉसियर के रूप में दे दिया। अब उनको सिर्फ इतना ही इन्वेस्टिगेट करना था कि पाकिस्तान में किस प्रकार से ये कॉन्स्पिरेसी की गई, कहाँ कहाँ से ये हथियार मुहैया किए गए, कहाँ कहाँ से दूसरी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मुहैया की गई, और किस प्रकार से इनको वहाँ से कराची से रवाना करके वो मुंबई आए और उन्होंने ये सब किया है। तो हमारे को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए था कि हाफिज सईद का कस्टोडियल इंटेरोगेशन हो। पाकिस्तान की सरकार ने उसको किसी और कानून के अंदर उसको कस्टडी में ले लिया, जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने उसको छोड़ दिया इस बिना पे कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन कोई वॉयलेशन ऑफ लॉ नहीं है। सही है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वो कोई कानून नहीं है, और हम लोग भी चुपचाप हो गए इस बात से। असली बात जो थी, क्या उन्होंने इस केस में जो FIR हुई और दूसरे जो अभियुक्त हैं वो ट्रायल फेस कर रहे हैं, तो जो इसका मास्टरमाइंड था उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? मुतालबा ये चीज़ का होना चाहिए था कि हफीज सईद, जिसको तीन तीन लोगों ने नामित किया है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया और उसका कस्टोडियल इंटरोगेशन क्यों नहीं हुआ? दूसरी चीज़ जो है वो, आज तक इतने साल बीत गए, आज तक वो ट्रायल ख़त्म ही नहीं हुआ, तो इससे जाहिर हो रहा कि पाकिस्तान जो है वो हमारे खिलाफ एक प्रॉक्सी वार, ये सारा जो बताया जा रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स वगैरह थे, ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। सच्ची बात तो ये है कि डेविड हेडली ने भी और तहफुज राणा ने भी ISI का नाम लिया है, उन्हीं से उनको फंड्स मिले हैं। अब हम देखें कि क्या हमको कुछ गेन भी हुआ इसमें। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उसके लिए ये एक ट्रिब्यूट है कि उन्होंने एक ट्रायल बहुत, ना केवल बहुत फास्ट ट्रैक में किया, बल्कि जो मानव अधिकार, जितने भी मानव अधिकार हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए पूरा ट्रायल समूचा संपन्न किया, अपील की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई, और भारत की सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज आफ्ताब आलम ने 400 पेज का जो जजमेंट दिया वो भारत की न्यायिक प्रणाली के लिए एक ट्रिब्यूट है। भारत सरकार को तो चाहिए कि ये जजमेंट हर VIP को प्रेजेंट करे। सर, मेरा आपसे एक सवाल था, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार के अंदर क्या कमियां रह गई थी जो उनको ऐसे टेररिस्ट अटैक दोबारा ना हो जो उनको करने चाहिए? अब ये तो देखा जाए तो एक कमेटी बनी थी महाराष्ट्र में, उसने बहुत सारी, लेकिन वो प्रकाशित नहीं हुआ कि क्या कारण है कि ये कहाँ कमियाँ रह गई, तो प्रकाशित होना चाहिए और उसी से ये पता लगेगा कि क्या कमियाँ हो रह गई। बल्कि मेरा अपना ये ख्याल है कि ये तो एक राज्य स्तर पे कमेटी गठित हुई थी, एक्चुअली देखा जाए तो केंद्रीय स्तर पे भी ये कमेटी गठित होनी चाहिए थी, और इस बात का पता लगाना चाहिए था कि वो जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस भारत सरकार के पास था उस पर क्यों नहीं एक्ट किया, कौन थे जिम्मेदार इस चीज़ के? क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो उस पर टेररिज्म को लेकर सीरियस है?
टेररिज्म को लेके सीरियस तो ऐसा कहते हैं कि वो बहुत सीरियस है, तो अगर है तो उसको ये सब चीज देखनी चाहिए। तो जो हमारी जो न्याय नहीं मिला, जो लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं मुंबई अटैक में, तो उसके पीछे हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मतलब नॉन वर्किंग की वजह से हुआ है। हाँ, उनकी कमियां हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि पहली डिमांड ये होनी चाहिए थी कि ये व्यक्ति जो सभी द्वारा नामित है, हाफिज सईद, ये कोई, जैसे कि मैंने कहा कि पूरे कॉमन लॉ सिस्टम में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ मास्टरमाइंड या जो मेन आदमी है उसके पीछे जिसने कॉन्स्पिरेसी की और जो वो अरेस्ट ना हो। हमने कभी ये डिमांड नहीं की, भारत ने कभी ये डिमांड नहीं की कि इस केस में उसको अभियुक्त दर्ज होना चाहिए वो, और उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, और अरेस्ट करने के बाद जो है उसका ट्रायल होना चाहिए। मेन डिमांड तो यही होनी चाहिए। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो लखवी है वो, उसको भी पाकिस्तानी हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, वो तो मैं आपको कह रहा हूँ कि उसको जो अरेस्ट किया था वो इस केस में नहीं किया था। okay. वो किसी और केस में किया था, और वहाँ जो है उसको कोर्ट ने, जैसा हफीज सईद को भी किसी और केस में किया था उन्होंने अरेस्ट, इस केस में अभियुक्त नहीं था वो। हाँ, लखवी तो इस केस में अभियुक्त है, लेकिन जो वो जो उसका मतलब जो वो छोड़ दिया गया वो किसी और केस में छोड़ा गया। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने शुरू से आखिर तक डीलर रवैया रखा अपना? जी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने शुरू से आखिर तक अपना डीलर रवैया रखा? बिल्कुल ढीला, वो तो बिल्कुल ही सीरियस नहीं लग रहे हैं। अगर वो सीरियस होते तो पहला काम ये करते कि हाफिज सईद, जिसके विरुद्ध तीन तीन लोगों ने उसको नामित किया है, उसको तुरंत अरेस्ट करते और उसका कस्टोडियल इंटरोगेशन नितांत आवश्यक है। तो भारत को इसमें अब क्या करना चाहिए? अभी ये मुतालबा करना चाहिए कि पहले उसको इस केस में अरेस्ट करो और उसका कस्टोडियल, क्योंकि वही बताएगा कि कॉन्स्पिरेसी कहाँ हुई, किन किन में आपस में हुई, और किस प्रकार से सब चीज़ें मुहैया की गई और किस तरह से ट्रेनिंग हुई, ये सब वो बताएगा। तो उसमें जो मेन नाकामयाबी रही मेन कॉन्स्पिरेटर तक पहुंचने के लिए, वो भारत सरकार की रही। हाँ, उनको ये डिमांड करनी चाहिए थी कि इस व्यक्ति को इस केस में नामित किया जाए, FIR में इसका नाम दर्ज किया जाए, क्योंकि इसके खिलाफ तो बहुत सॉलिड प्रूफ है। ये तो किसी सिस्टम में हो ही नहीं सकता, जितने हमारे कॉमन लॉ कंट्रीज हैं इसमें ये हो ही नहीं सकता कि जो किंग पिन व्यक्ति हो उसको अरेस्ट ना किया जाए और उसका कस्टोडियल इंटरोगेशन ना किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कस्टोडियल इंटरोगेशन में और कस्टडी के बाहर का इंटरोगेशन में बहुत फर्क होता है। और ये भी है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन जब हो जाता है तो कई अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं जिस व्यक्ति को कस्टडी में लिया जाता है। क्या आपको लगता है कि मुंबई टेरर अटैक में पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी हाथ था या उनका कोई सपोर्ट था आतंकवादियों को? अब तो ये एस्टेब्लिश हो गया, डेविड हेडली ने कहा कि ISI से मुझे पैसे मिले, उसी तरह से तहफ़ राणा ने भी कहा, तो ये तो आज की तारीख में कहना बिल्कुल गलत है कि नॉन स्टेट एक्टर्स थे, ये तो पूरे स्टेट एक्टर्स थे। इनको तो ट्रेन भी, इनका रिकनॉइसेंस मुंबई में जो हुआ वो मिस्टर हेडली ने किया, वो एक रिकी पे आए और फिर उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की वहाँ पे, और फिर उन्होंने जो भी है वो तो पूरी तरह से सिद्ध हो गया है, और वो उस एविडेंस पे तो वो कन्विक्ट भी हो गया है, आज 35 साल की सज़ा भुगत रहा है। तो भारत इस चीज़ में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में क्या कर सकता है? हमको तो एक डिप्लोमेटिक ब्रिक्स ट्री कर देना चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ हर एक VIP को जो है जस्टिस आफ्ताब आलम की जजमेंट प्रेजेंट करनी चाहिए, क्योंकि कितनी मेटिकुलसली लिखी हुई जजमेंट है, 400 पन्नों की जजमेंट है,
जिसमें, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने कसब को महफूज रखा वहाँ पे, अच्छी तरह से रखा, और उसको हर प्रकार की सुविधा दी गई। आप जैसे जानते हैं कि जो एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जिसने उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया, उसने पहली बार 24 घंटे के लिए उसको एडजर्न कर दिया, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, उस रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन। दूसरी बार फिर 48 घंटे के लिए कर दिया। दोनों बार उन्होंने ये कहा कि तुम बिल्कुल मजबूर नहीं हो कि तुम ये कन्फेशन दो, लेकिन अगर ये कन्फेशन दोगे तो ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए आप चाहो तो नहीं दो। दोनों बार कसब ने कहा नहीं, मैं तो देना चाहता हूँ। उनसे ये भी पूछा उस मैजिस्ट्रेट महोदय ने कि तुम क्यों देना चाहते हो, तो उसने कारण भी बताया कि वो क्यों देना चाहता है। इतनी सेफगार्ड के बाद उसका वो कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ। आपने सब प्रकार की सुविधा दी उसको, ट्रायल कोर्ट में आपने उसको प्रॉपर लीगल एड दी, हाई कोर्ट में दी, सुप्रीम कोर्ट में तो भारत का भूतपूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उसके लिए अपीयर हुआ। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो ये तो हमारी जुडिशियल सिस्टम की ग्लोरी और मैजेस्टी है कि हमने इतना मेटिकुलसली ह्यूमन राइट्स और कानून का पालन किया। सर, आपको क्या लगता है कि भारत अभी तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये विश्वास दिला पाया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था? ये तो जजमेंट से साबित हो रहा है, और ये जजमेंट जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भारत को तो चाहिए, भारत की सरकार को चाहिए कि इसको वाइडली सर्कुलेट करे, सभी को दे। अच्छा सर, आपने इतना अच्छा टॉपिक आज हमसे डिस्कस किया, इसके लिए मैं आपके तहे दिल से आभारी है, और हम दोबारा आपसे ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक डिस्कस करेंगे और आपसे ज्ञान लेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।